हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेट दुनिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारे आधार कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको नहीं पता कि आपके आधार कार्ड में आपका कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं। आप घर बैठे ही एक मिनट में पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप सर्च करेंगे UIDAI। इतना सर्च करने के बाद आपको सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले ही जो लिंक आ रही है उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा और आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप आधार सर्विस में आएंगे। आधार सर्विस में सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वेरीफाई एन आधार नंबर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग होगा और सामने आपके कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर अपना आधार नंबर और ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। देखिए, यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल लेने के बाद और ये कैप्चा कोड फिल कर लेने के बाद यहाँ प्रोसीड एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर आपका आधार नंबर लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, और यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल के सामने लिखा हुआ है आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पर शुरू के 7 डिजिट मास्क रहते हैं और लास्ट के 3 डिजिट आपको अपने मोबाइल नंबर के दिख जाते हैं। तो इस तरह आसानी से एक मिनट में घर बैठे आप पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर आपका जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।